हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल न्यूटन के गति विषयक नियम पर न्यूमेरिकल देख रहे थे, जिसमें 7 प्रश्न कर चुके थे। आज उसके आगे हम लोग प्रश्नों को करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक 7 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग सेशन में जुड़े रहिएगा, हम लोग इस सेशन में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेंगे। और कंटिन्यू आपके न्यूमेरिकल का सेशन चला रहे हैं, तो आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दिया करिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और उसके बाद वीडियो को पूरा वॉच भी नहीं करते हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कराया जा रहा है। क्लास 11th की फिजिक्स का और क्लास 12th की फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल जल्द आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला जो 8वां प्रश्न है वो आपको दिया है, देखिए, 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो समुद्र में स्थित किसी नाव पर सवार है। प्रश्न नंबर 8, एक बार प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो समुद्र में स्थित किसी नाव पर सवार है को हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना है। इस प्रक्रिया में एक रस्से का प्रयोग किया गया है जो 100 किलोग्राम भार का महत्तम वहन कर सकता है। हेलीकॉप्टर को किस महत्तम त्वरण से उठाना चाहिए कि रस्सा टूटे नहीं। चलिए चित्र बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये अपनी एक नाव है, यहां पर ये क्या है, समुद्र में एक नाव है, इस नाव पर एक व्यक्ति सवार है, बीच में कहीं से जाते हुए यहां पर फंस गया है। समुद्र में क्या है, एक नाव है और नाव पर एक व्यक्ति सवार है, एक व्यक्ति सवार है, व्यक्ति बना है अच्छे से। अब फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि 70 किलोग्राम इसका भार है, इसका भार कितना है, तो 70 किलोग्राम। और आगे देखिए, इसे एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना है, यानी कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर क्या करेगा, इस व्यक्ति को उठाएगा, एक हेलीकॉप्टर की सहायता से इसको क्या किया जाना है, उठाया जाना है। तो हेलीकॉप्टर बना लेते हैं हम लोग, एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना, हेलीकॉप्टर को हम लोग बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। बना है, ऊपर यहां पर पंखा लगा देते हैं, एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना है। अब फिर देखिए ये बन गया हेलीकॉप्टर, यहां से आपको कह रहा है उठाया जाना। इस प्रक्रिया में एक रस्से का, ये जो रस्सा है इसकी वहन क्षमता कितनी है, तो दिया है कि 100 किलोग्राम भार को ये सहन सकता है, सहन कर सकता है। आपसे कह रहा है हेलीकॉप्टर को किस महत्तम त्वरण से ऊपर उठाना चाहिए कि रस्सा टूटे नहीं। तो चलिए लगा लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा सुंदर सा। इसमें तनाव कितना, तो 100 किलोग्राम भार, यानी कि ये जो तनाव है ये अधिकतम कितना सह सकता है, तो आपको पता है कि ये 100 किलोग्राम भार को वहन कर सकता है, यानी कि सह सकता है। माने आदमी का भार कितना है, या इसको न्यूटन में बदल सकते हैं, तो न्यूटन में बदलने का फॉर्मूला ये है कि इसी में हम लोग जी का गुणा कर दें, यानी कि 10 का गुणा कर दें, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एमजी या बराबर एमजी होता है, ये तनाव बल है, तो एम इंटू जी कर दिए, यानी कि ये आपका बन जाएगा 1000 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह दें इसी को न्यूटन, 1000 न्यूटन का तनाव आ जाएगा। अब यहां व्यक्ति जो है उसका भार कितना है, तो व्यक्ति का भार है 70 किलोग्राम, व्यक्ति का भार कितना है, 70 किलोग्राम। तो चलिए लिखते हैं व्यक्ति के लिए जो एफ बराबर फॉर्मूला यम ए, यम का मान कितना, तो यम का मान है 70, और ए आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ए कितना है, ये आपका त्वरण है, ए कितना है, त्वरण, और तनाव बल एफ यहां कितना है, 1000। एक चीज आप समझिए, ये जो बल है, यहां से त्वरण हमें ज्ञात करना, ये जो आपका बल लग रहा है, तनाव किधर है, ऊपर की ओर, और व्यक्ति का भार किधर है, नीचे की ओर। तनाव किधर है,
ऊपर की ओर और व्यक्ति का भार किधर है, नीचे की ओर। तो देखिए अभी ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा यानी कि तनाव ज्यादा होगा, तनाव बल क्या होगा ज्यादा होगा, और ये वाला जो ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो ज्यादा होगा, व्यक्ति नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जो कार्य करेगा वो कम रहेगा, तभी व्यक्ति क्या करेगा ऊपर की ओर जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 किलोग्राम का द्रव्यमान ऊपर जाएगा तो इसके विपरीत जो आपका यहाँ पर तनाव होगा वो 70 आपका ये वाला घट जाएगा। देखिए 70 किलोग्राम का व्यक्ति था तो ये 70g कम हो जाएगा, 70g नीचे की ओर और 70 ऊपर की ओर अगर तनाव व्यक्ति का भार कार्य कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टी में से हम 70g को घटाएंगे, क्योंकि टी के विरुद्ध हमें ये 70g नीचे की ओर है और टी ऊपर की ओर लग रहा है, बराबर 70 और क्या ए जी बराबर हमें कितना रखना है पता है, इस चीज को एक बार फिर से समझिए, यप बराबर है हमें फार्मूला पता है, यप क्या है तनाव है, यहाँ मतलब कि यप जो बल लग रहा है वो आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता है तनाव ऊपर की ओर है और ये विपरीत दिशा में 70g नीचे की ओर, इसलिए हमने तनाव में से 70g घटा दिया और ये 70 हो गया। जी का मान हमें कितना रखना है, तो जी का मान आपकी जो सवाल दी गई है सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग 10 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 10 रखे हैं, तो टी माइनस 70 गुणे 10 बराबर 70 ए, इसको टी माइनस 700 बराबर 70 ए हो गया, टी माइनस 700 बराबर 70 ए हो गया। अब चलिए एक काम करते हैं, टी बराबर आपका कितना है 1000 रख लेते हैं, 1000 माइनस 700 बराबर 70 ए, ये आपका हो जाएगा 300 बराबर 70 ए, और ए बराबर 300 बटे 70 समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए, 300 बटे 70 काट देते हैं, इसको काटेंगे ये बचेगा ए बराबर 30 बटे 7, हल करेंगे तो 7 चौक 28, 20 बचा तो 7 दूनी 14 यानी कि ए बराबर 2 मीटर 4.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगर इस व्यक्ति को ऊपर उठाएंगे तो ये रस्सा क्या करेगा नहीं टूटेगा। आंसर आपका आ गया, समझ में आया या नहीं बताइए। आपसे यही पूछा था कि 100 किलोग्राम भार का महत्तम बल ये वहन कर सकता है, तो हमें हेलीकॉप्टर को किस त्वरण से ऊपर उठाना चाहिए कि रस्सा ना टूटे, तो हेलीकॉप्टर को हमें किस त्वरण से उठाना चाहिए 4.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर अगर उठाएंगे तो ये रस्सा क्या करेगा नहीं टूटेगा। समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर 9वां देखिए, प्रश्न नंबर 9, ये तो 8वां हो गया, 8वां क्लियर है, नहीं समझ में आया एक बार और रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को रोकिए पीछे जाइए उसके बाद फिर से चलाइए वीडियो, आप सबके समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप लोग संख्या कंटिन्यू बढ़ाइए, संख्या आप सबकी डेली कम होती जा रही है। आगे देखिए 9वां प्रश्न आपको कह रहा है, एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट जो कि मजबूत तारों से लटकी है, क्या है एक 400 ग्राम की लिफ्ट है जो मजबूत तारों से लटकी हुई है और आपसे कह रहा है लिफ्ट के तारों में तनाव ज्ञात कीजिए, जब लिफ्ट नंबर एक विराम में है, नंबर दो 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रही है और तीसरा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, डी में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, तब आपको ज्ञात करना है कि डोरी में तनाव कितना होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं एक छोटी सी प्यारी सी लिफ्ट, मान लेंगे कि एक ऐसे लिफ्ट है जिसका द्रव्यमान कितना, ये सवाल नंबर 9 है, एक 400 किलोग्राम की क्या है लिफ्ट है, लिफ्ट ये तारों से बंधी हुई है, किससे बंधी है तार से बंधी हुई ये लिफ्ट है, तार में मान लीजिए तनाव कितना है टी है, और यहां आपको पता है कि ये 400 जी नीचे की ओर लगेगा,
भार बल 400 जी कितना नीचे की ओर लगेगा और तनाव कितना है टी है। समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया या नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि तनाव ज्ञात कीजिए जब लिफ्ट विराम में है। तनाव ज्ञात करना है जब लिफ्ट आपकी क्या होगी, विराम में होगी। चलिए देखिए, अगर विराम में होने का मतलब क्या है पता है आपको? कि विराम में होने का मतलब है कि यहाँ कोई गति नहीं हो रही है, यहाँ पर लिफ्ट में कोई गति नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर एक, जब लिफ्ट कैसी है, विराम में है। विराम में होने का मतलब है इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा, अंतिम वेग शून्य होगा। अगर ये दोनों शून्य है तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो भी शून्य हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा कि v बराबर जीरो तो a बराबर भी जीरो होता है। लिफ्ट विराम में है, v बराबर जीरो तो a बराबर भी क्या होता है, जीरो। ये चीज याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ सवाल लिखते हैं, f बराबर mg होगा, f बराबर m। आपको क्या ज्ञात करना है, तनाव ज्ञात करना है, f बराबर m। अब एक चीज हमें बताइए, ये लिफ्ट विराम में है, तनाव ऊपर की ओर लग रहा है 400 जी नीचे की ओर, तो टी माइनस 400 जी बराबर यम ए। टी माइनस 400 जी बराबर क्या हो गया, यम ए। और यहां बताइए ए क्या है, अगर विराम में है लिफ्ट तो त्वरण कितना होगा, जीरो। टी माइनस 400 जी बराबर यम गुणे जीरो, यानी कि टी माइनस 400 जी बराबर जीरो, और टी बराबर हो जाएगा 400 जी। टी बराबर 400 गुणे जी का मान 10 रख देते हैं तो टी बराबर 4000 न्यूटन। टी बराबर कितना आ गया, 4000 न्यूटन। टी बराबर कितना आ गया, 4000 न्यूटन। चलिए किताब में 7, यहां पर 10 के स्थान पर 9.8 रखे हैं तो हम लोग भी 9.8 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो आपके जीरो ही हो जाएंगे। 4×8=32 की 2 हासिल 3, 4×9=36, 3×39 और 1 अंक पर दशमलव, यानी कि आपका हो गया, ये ऐसे कह सकते हैं कि आ जाएगा टी बराबर 3920 न्यूटन। समझ में आ गया? जब लिफ्ट विराम में थी तो आपको आपने जो ज्ञात किया कि लिफ्ट में तनाव कितना था 3920। दूसरा, जब लिफ्ट का वेग 1 m/s² हो, दूसरे में आपको क्या दिया था कि लिफ्ट का वेग, समझ में आ रहा है, लिफ्ट का वेग कितना हो, 1 m/s हो। इसका मतलब क्या है कि जो v है वो 1 m/s ये नियत वेग से चल रही, और नियत वेग से जब कोई वस्तु चलती है तो वहां पर भी त्वरण कितना होता है, जीरो होता है। कोई भी वस्तु अगर नियत वेग से गतिमान है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण शून्य होता है, और जब कोई वस्तु विराम में है तब भी त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, f बराबर m a और f बराबर t माइनस 400 जी बराबर ये जीरो। 400 जी को हल करेंगे तो ये 400 और गुणे 9.8 और t बराबर आ जाएगा 3920 न्यूटन। यानी कि जब लिफ्ट आपकी कैसी होगी, एक समान चाल से गतिमान होगी, यानी कि एक समान वेग से, नियत वेग से गतिमान होगी, तब भी लिफ्ट में जो तनाव उत्पन्न होगा वो 3920 न्यूटन ही होगा। तीसरा आपसे क्या पूछा था, तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे में कह रहा है कि 2 m/s² के त्वरण से ऊपर जा रही है जो लिफ्ट है, तीसरे में लिफ्ट 2 m/s² के त्वरण से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो देखिए जी तो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और कितने त्वरण से, तो a बराबर हम लोग कितना रख देंगे, a बराबर रख देंगे, यहां देखिए a बराबर रख देंगे 2 m/s² तो f बराबर m a और t माइनस 400 जी बराबर यम का मान कितना है, लिफ्ट का द्रव्यमान 400 किलोग्राम गुणे ए का मान है 2। इसको हल करते हैं जब तो ये आ जाता है, देखिए 400 जी को हल करते हैं 3920 बराबर ये हो जाएगा 800
और टी बराबर उधर जाएगा तो 3920 प्लस 800 अर्थात टी बराबर आ जाएगा ये 02917 4720 न्यूटन। तनाव कितना आ गया, तो जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर की ओर जा रही होगी, जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर की ओर जा रही होगी तो तनाव आ जाएगा 4720 न्यूटन। चौथा आपसे पूछा है कि जब लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो, तो यहाँ चौथे में आपसे पूछा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर आएगी। देखिए T-400 यहां पर दोनों क्या थे, विपरीत दिशा में थे, इसलिए क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, ये आपका T-400 हम लोग कर रहे थे, T- क्या कर रहे थे 400, इस बार यहां पर खेला उल्टा होने वाला। देखिए यह बराबर हम क्या करेंगे MA, तो ये इस बार हो जाएगा 400G-T बराबर 400 और A का मान कितना, तो A का मान 2। 400 और G को हल करते हैं आता है 3920-T बराबर 800, इसको इधर ले जाएंगे ये माइनस में आएगा 3920-800 बराबर टी, यानी टी बराबर हम कह सकते हैं कि ये 0, 2, 1, 3120 न्यूटन। कितना आ जाएगा 3120 न्यूटन। समझ में आया, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। आपको सवाल नंबर 9 दिया था कि एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट है जो मजबूत तारों से बंधी हुई है, तार में तनाव ज्ञात कीजिए जब लिफ्ट विराम में है, तो विराम में होने का मतलब उसमें कोई त्वरण नहीं होगा, और जब त्वरण नहीं होगा तो यह बराबर यम ए से हम लोग ज्ञात कर देंगे तनाव। देखिए टी, ये दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए टी माइनस एम जी, यानी कि टी ऊपर की ओर एम जी नीचे की ओर, तो हमने क्या किया ये इसमें से इसको घटा दिया और यहां हम जीरो रख दिए ए का मान, तो ये पूरा वैसे भी जीरो हो जाता, तो हल करने के बाद आया 3920 न्यूटन। दूसरा कहा था जब लिफ्ट का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो, 1 मीटर प्रति सेकंड अर्थात तब भी वेग नियत ही है, क्वेश्चन में आपसे यही दिया है। देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही हो तो ये नियत वेग है, तब भी त्वरण जीरो होगा, इतना ही आएगा। लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही थी तो हमने एक का भी मान रख दिया, तनाव आ गया। नीचे आ रही थी तो ये देखिए ये 400 भी नीचे की ओर है और लिफ्ट भी नीचे की ओर आ रही है, तो 400 में से क्या करेंगे जी को घटा देंगे और आ जाएगा 3120 न्यूटन। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं इस प्रश्न को। बताइए आपके समझ में आया या नहीं प्रश्न नंबर 9, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, आप लोग कमेंट करते रहिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कुमार मित्तल में कोई दम नहीं है, जितने भी सवाल हैं आपके कुमार मित्तल की करवा रहे हैं ये सब आपके आसान आसान सवाल हैं, थोड़ी सी आप लोग मेहनत करिए, उसके बाद ये सवाल हैं तो आपकी आराम से वैसे ही हल हो जाएंगे, आप लोग भी कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 5 किलोग्राम की एक गन मशीन है, गन मशीन की बारी आ गई बंदूक की, प्रश्न नंबर 10, एक 5 किलोग्राम की गन मशीन 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दागती है धड़ाधड़ तेजी से, जिसमें गोलियों का वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है, मशीन गन को उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितना बल लगाया जाना चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि मशीन गन पीछे की ओर ना जाए इसके लिए कितना बल लगाया जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा है मशीन गन फिल्मों में, वास्तविकता में नहीं देखे होंगे तो फिल्मों में जरूर देखे होंगे। ये कह रहा है कि एक मशीन गन है जो 5 किलोग्राम की है और 50 ग्राम की 30 गोलियां 1 मिनट में धड़ाधड़ दागती है, कितनी गोलियां 50 ग्राम की 30 गोलियां 1 मिनट में दागती है। कह रहा है मशीन जिसमें प्रत्येक गोली जो है वो 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ रही है, उसके बाद फिर मशीन गन को उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितना बल लगाया जाना चाहिए। चलिए शुरू किया जाए, सबसे पहले आप एक काम करिए, एक गोली का द्रव्यमान कितना है, सवाल में दिया है कि एक गोली का द्रव्यमान है 50 ग्राम, एक गोली का द्रव्यमान
बराबर 50 ग्राम। तो ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 50 गुणे 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा, गोलियों की संख्या कितनी दी गई है, तो आपको दी गई है कि जो गोलियां हैं दगाई जा रही हैं, गोलियों की संख्या वो है 30, गोलियों की संख्या 30। समय दिया गया है कितने समय तक, एक मिनट में, एक मिनट यानी 60 सेकंड में 30 गोलियां धड़ाधड़ छोड़ रही है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो गोली है, प्रत्येक गोली का वेग, या फिर गोली का वेग ऐसे कह लीजिए कि जो गोली है का वेग कितना है, v बराबर 400 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है कितने बल से हम लोग उस मशीन गन पर कितना बल लगाएं कि जो मशीन गन है वो अपनी स्थिति में बनी रहे। कहने का मतलब समझ में आया कि एक गन मशीन है और गन मशीन का द्रव्यमान भी आपको दिया गया है। देखिए कह रहा 5 किलोग्राम की एक गन मशीन है और 50 ग्राम की गोली को एक मिनट में 30 गोलियां दागती है, प्रत्येक गोली का वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है, तो बल ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको हम एक चीज पढ़ाए थे, अगर याद हो आपको हम एक चीज पढ़ाए थे कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आप यहां हल में लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर। इस बार गोली चल रही है, अगले क्वेश्चन में बम लगेगा। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होता है, अर्थात हम ये कहते हैं कि जो एफ है वो डीपी बाई डीटी और डीपी बाई डीटी कह दें या डीपी बाई टी कह दें। अब एफ बराबर डीपी को कहते हैं एम वी माइनस एम यू, कह सकते हैं डीपी संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो एम गुणे वी बाई ये हो जाएगा टी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एन भी जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो गोलियों की संख्या अगर अभी एक होता तो एक एम वी, दो होता तो दो, यहां पर 30 गोलियां, इसलिए हम क्या कर देंगे 30 एम वी कर देंगे। समझ में आ गया या नहीं बताइए जल्दी से, समझ में आ गया, सबका मान रख देते हैं फिर समझ में आ गया है। तुम नंबर ऑफ गोली 30, गोली का द्रव्यमान 50 गुणे 10 की घात माइनस 3 और गोली का वेग 400 बटे समय कितना 60 सेकंड यानी कि एक मिनट। चलिए 30 दूनी 60 25, यफ बराबर 25 चौका 100 और उसके साथ 20 गुणे 10 की घात माइनस 3, यफ बराबर 10 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 यानी यफ बराबर 10 न्यूटन। बंदूक पर कितना बल लगाया जाना चाहिए, तो बंदूक पर जो बल लग रहा है अगर वो बल 10 न्यूटन का होगा तो आप 30 गोलियां एक एक मिनट में दाग कर सामने वाले का खेला खत्म कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, यह बराबर 30 न्यूटन। समझ में आया या नहीं बताइए, यह छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको एक 5 किलोग्राम की मशीन गन दी गई है जिसकी क्षमता यह है कि वो एक मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दाग सकती है, तो कह रहा है, और प्रत्येक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकल रही है। आपसे पूछा है कि बताइए हम बंदूक पर, मशीन गन पर कितना बल लगाकर रखें कि बंदूक अपनी स्थिति में बनी रहे, तो ये इतना बल लगाकर रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बम दगाने वाली सवाल देखते हैं। फिजिक्स के बम दगाने वाली सवाल को देखते हैं, आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देखिए, पूरे न्यूमेरिकल एक तरफ से आपको करवा रहे हैं। जहां पर नहीं समझ में आ रहा आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके 1K में ले चलिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, फिजिक्स में यही हो रहा है, कहीं पर बम फूट रहा है, कहीं पर गोली दग रही है। 11वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है,
आ गया है ना, एक विस्फोटक विस्फोट के बाद तीन भागों में विभाजित हो जाता है। एक बम है जो विस्फोट होता है तो वो तीन भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से दो टुकड़े एक दूसरे के लंबवत निकलते हैं, क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड व 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ जाते हैं। दूसरे टुकड़े का तीसरे टुकड़े का वेग व दिशा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो टुकड़े तो निकल गए लंबवत 4 मीटर और 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और आपसे कह रहा है जो तीसरा टुकड़ा है तीन खंडों में विभाजित हुआ, तो तीसरा टुकड़ा जो है वो कहां और किस दिशा में जाएगा। चलिए शुरू किया जाए, बताइए एक बार कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन लगाना शुरू करें। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है विस्फोटक विस्फोट के बाद तीन भागों में बंट जाता है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास ये एक विस्फोटक है जिसका द्रव्यमान था 3m, तभी बराबर भागों में बटेगा तो m m m, दो भाग लंबवत निकलता है तो एक भाग हम मान लिए कि इस दिशा में निकल गया, कितना निकला m, एक भाग इसके लंबवत निकला तो ये निकल गया, ये भी कितना m, और तीसरा आपसे पूछ रहा है कि तीसरा वाला कौन सी दिशा में जाएगा, और क्या क्या पूछा है कि तीसरा वाला किस वेग से व किस दिशा में जाएगा। पहले का वेग कह रहा है 9 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे का वेग कह रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड। पहले का वेग कितना कह रहा है 9 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका वेग दिया आपको कह रहा है ये 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गया और ये वाला गया 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो ये तो चलिए क्लियर है। तीसरा वाला कहां जाएगा और किस वेग से जाएगा, तो चलिए ये आप हम मान लेते हैं कि पहला वाला जो गया वो किस अक्ष पर गया, यक्ष अक्ष पर, दूसरा वाला कहां गया वाई अक्ष पर। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो तीसरा वाला जाएगा वो कहां जाएगा, जेड अक्ष पर जाएगा, किस अक्ष पर, जेड अक्ष पर जाएगा, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, जो आएगा फिर देखा जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहां थोड़ा सा इसके घटक वियोजित कर लेते हैं, घटक देखिए यहां से वियोजित करेंगे, मान लीजिए कि ये इसका घटक हम लोग क्या करते हैं, ये अगर इधर है तो ये इसकी विपरीत दिशा में इस घटक को वियोजित कर लेते हैं, घटक को क्या करेंगे इसके विपरीत वियोजित कर लेंगे, और ये जो घटक है वो आपका यक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये कोई एक बिंदु मान लेते हैं आर, हम लोग इसका नाम दे दें या वी नाम दे दें, कुछ भी नाम देकर मान लीजिए कि वी वेग से ये जा रहा है, इसका घटक को हम लोग अगर वियोजित करेंगे दो घटक बनेंगे कुछ इस प्रकार से, पहला घटक दूसरा घटक, यहां से समझ में आया, इनके नाम दे दें, ये आपका हो जाएगा माइनस वी कॉस थीटा और ये माइनस वी साइन थीटा, माइनस वी कॉस थीटा और ये वाला माइनस वी साइन थीटा, घटक को वियोजित कर दिए, घटकों को क्या किया गया वियोजित कर दिया गया। हम मान लेते हैं कि ये पहला द्रव्यमान है, ये दूसरा द्रव्यमान है और ये वाला आपका जो है ये कौन सा द्रव्यमान है, तीसरे वाले टुकड़े का द्रव्यमान है। यहां पर आपसे पूछा है कि इसका वेग बताइए कितना होगा, यही तो पूछा था, शुरू किया जाए लगाना। कह रहा है तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान तथा वेग बताइए या दिशा बताइए किस तरफ जाएगा। द्रव्यमान तो पता है कि यम ही होगा क्योंकि तीनों टुकड़ों के द्रव्यमान समान है। तो चलिए यक्ष अक्ष की दिशा में सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, यक्ष अक्ष की दिशा में, यक्ष अक्ष की दिशा में ये वी वेग से मानते हैं हम लोग कि ये इधर प्लस वी वेग से जा रहा था तो ये माइनस वी वेग से जाएगा, इसीलिए इनके घटकों को वियोजित किए तो ये घटक आपका हो गया माइनस वी कॉस थीटा और लंबवत घटक माइनस वी साइन थीटा। यक्ष अक्ष की दिशा में जो पहला पिंड है, यक्ष अक्ष की दिशा में पहले पिंड, पिंड नाम दे या फिर विस्फोटक तीन बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो पहले भाग का यानी कि यक्ष अक्ष की दिशा में जो पहला भाग है वो किस वेग से जा रहा है, किस वेग से जा रहा है जल्दी से बताइए, तो 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। दूसरा वाला, दूसरा इसके लंबवत निकल रहा है यानी कि इधर कितने मीटर प्रति सेकंड से जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड से, और तीसरा वाला, तो तीसरा वाला किस कितने वेग से जाएगा जल्दी से बताइए, तीसरा वाला यहां घटक वियोजित किए हैं देखिए माइनस वी कॉस थीटा,
पहला वाला एक्स अक्ष की दिशा में 9 मीटर पर सेकंड के वेग से गया, दूसरा वाला एक्स अक्ष पर नहीं था, वाई अक्ष पर जा रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया 0 मीटर पर सेकंड एक्स की दिशा में। और तीसरा वाला जो था ये इधर जा रहा था, इसके घटक को हमने इधर वियोजित किया तो माइनस बी कॉस थीटा के वेग से जा रहा था, ये पहले वाले के लिए हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं वाई अक्ष की दिशा के लिए निकालते हैं, नीचे दिख रहा है, हाँ लिख सकते हैं। चलिए वाई अक्ष की दिशा में हम लोग यहां पर निकालते हैं, अब तो लिखेंगे वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में जो पहला वाला पिंड है वो किस वेग से जाएगा तो 0 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा वाला पिंड किस वेग से जाएगा, दूसरा वाला पिंड आपका जा रहा है 12 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा वाला आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे माइनस वी साइन थीटा, माइनस वी साइन थीटा, दिख रहा है, तीसरा वाला नहीं दिख रहा। चलिए हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको, वाई अक्ष की दिशा में यहां पर देखिए वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में पहला वाला जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा पिंड जाएगा या दूसरा भाग जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, और जो तीसरा भाग है वो आपका जा रहा है माइनस वी साइन थीटा, माइनस वी साइन थीटा के वेग से। इतना समझ में आ गया या नहीं बताइए कमेंट करके, ये चीज आपके समझ में आ गया। अच्छा हम लोग घटकों को वियोजित किए, अब यहां पर लगाएंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, विस्फोट के पूर्व कुल संवेग और विस्फोट के बाद कुल संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां हम आगे लिख देंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से विस्फोट के पहले कुल संवेग, विस्फोट के पहले कुल संवेग बराबर विस्फोट के बाद कुल संवेग। तो विस्फोट के पहले कुल संवेग कितना, विस्फोट के पहले m1 u1 कहते हैं, कितना कहते हैं m1 u1 बराबर m2 u2। चलिए रखते हैं ऐसे, कह दें m1 v1 प्लस m2 v2, और x अक्ष के लिए हम लोग कह दें x अक्ष के लिए देखते हैं विस्फोट के पहले कुल संवेग और विस्फोट के बाद कुल संवेग। तो x अक्ष के लिए विस्फोट के पहले कुल संवेग, x अक्ष के लिए विस्फोट के पहले कितना संवेग रहा होगा, x अक्ष पर देखिए, x अक्ष पर हम लोग m1 v1 m2 v2, और एक चीज ध्यान दीजिए हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं वो कहते हैं m1 तीन पिंड लिए गए थे तो ऐसे कह दें कि m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। m1 u1 तीनों यहां पर सब विराम में थे इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ m1 v1, m1 का द्रव्यमान m और v1 का द्रव्यमान कितना है, x अक्ष के लिए v1 ये वाला पहले पिंड के लिए वेग है 9, प्लस m2 दूसरा पिंड, दूसरा पिंड का द्रव्यमान कितना है 12, और v2 कितना है तो दूसरे पिंड का x अक्ष पर वेग 0 है, प्लस m3, m3 कितना है तो m है, और तीसरे पिंड का वेग कितना दिया गया है तो इसके लिए है माइनस वी कॉस थीटा, माइनस वी कॉस थीटा। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9m माइनस, 9m माइनस mv कॉस थीटा, 9m माइनस mv क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको इधर लाएंगे तो mv कॉस थीटा बराबर 9m, m से m कैंसल हो गया, v कॉस थीटा बराबर 9, समीकरण नंबर एक हो गया, v कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 9, समीकरण एक। अब हम लोग y अक्ष के लिए ऐसे ही करते हैं, y अक्ष के लिए करेंगे तो देखिए वही लिखेंगे विस्फोट के पहले कुल संवेग बराबर विस्फोट के बाद कुल संवेग, तो सूत्र वही m1 u1 m2 u2, m2 u2 प्लस m3 u3 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ये जीरो रहेगा, m1 कितना है तो m1 आपका है ये m, और v1 कितना है तो y अक्ष की दिशा में v1 आपका जीरो है, प्लस m2 m है और वहां पर है 12,
प्लस एम थ्री आपका कितना है एम और वी थ्री है माइनस वी साइन थीटा जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो 12m माइनस एम वी साइन थीटा, इसको इधर लाएंगे तो एम वी साइन थीटा बराबर 12m, ये कट गया, v साइन थीटा बराबर कितना आ गया 12, समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया इतना, बताइए इतना समझ में आया या नहीं आप लोगों को? हमें नहीं लगता समस्या होगी क्योंकि ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना था कि घटकों को हम लोगों ने क्या किया, वियोजित कर लिया और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी का मान निकाल देते हैं, वी का मान निकाल देते हैं तो यही आपसे, और थीटा निकाल लेंगे दिशा पता चल जाएगी। चित्र मिटा दें आप लोग, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद चित्र हम लोग मिटा लेते हैं। चित्र को मिटा रहे हैं आप लोग, इधर अब ध्यान दीजिएगा, पता चल गया आपको कि वाई अक्ष के लिए क्या है, वी साइन थीटा बराबर 12 और एक्स अक्ष के लिए वी कॉस थीटा बराबर 9। समीकरण 1 व समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 से जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है, तो v cos थीटा है, वर्ग करेंगे v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर आपका हो जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 9 का वर्ग 81 प्लस 12 का वर्ग 144। हाँ, 9 का वर्ग कितना 81 और 12 का वर्ग 144। v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 225। सबको पता है कि इसका मान होता है 1 बराबर 225, तो हम कह सकते हैं v बराबर ये 15 में 225। v कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। आप ये आराम से अब कह सकते हैं कि जो तीसरे पिंड का वेग रहा होगा वो कितना रहा होगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। और अब ज्ञात करते हैं दिशा, वेग तो पता चल गया, अब क्या ज्ञात करते हैं दिशा, तो दिशा के लिए क्या करेंगे पता है, समीकरण नंबर 1 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 2 को भाग कर दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। v sin थीटा है, v sin थीटा बराबर 12 और v cos थीटा बराबर कितना, तो v cos थीटा बराबर 9, v से v कैंसल, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर ये देखिए 3 3 9 3 4 12, 4/3 हो गया, कितना आ गया 4/3। समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। और अब क्या करते हैं हम लोग, 4/3 को इतना ही या रहने दें या थीटा बराबर कर सकते हैं tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा और 9 मीटर प्रति सेकंड के टुकड़े से, जो आपने ये देखिए इस अक्ष में बनाया था ना ऐसे 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के टुकड़े से, ये कितना जाएगा तो 170, यहाँ से ये देखिए लगभग कितना निकल कर आएगा पता है, 4 3 3 1 कम 3, 1 से ज्यादा यानी कि 90 के पार चला जाएगा, तो ये एग्जैक्ट इसका मान जो होगा थीटा बराबर 127 अंश आ जाएगा। तो आप बताएंगे कोई घटक को ऐसे वियोजित किए थे आप, ऐसे ऐसे, तो ये जो आपका था 9 मीटर प्रति सेकंड वाले वेग से ये इधर जाएगा कितने अंश पर, तो 127 अंश पर, और कितने मीटर प्रति सेकंड, तो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तीसरा वाला जाएगा आपका। समझ में आ गया, तीसरा वाला 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा और 127 अंश के कोण पर 9 मीटर प्रति सेकंड वाले विस्फोट के टुकड़े से लगा लीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है, आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपके कितने प्रश्न और हैं, अभी 3 प्रश्न और हैं, उन तीनों को भी हम लोग कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, या इतनी लंबी लंबी क्लासें लेने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग क्लास करते हैं, क्लास को फॉलो करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
बताइए, कुछ समझ में आता है? अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए। प्रश्न आपको कह रहा है, क्वेश्चन जो दिया है आपको वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए देखिए, कह रहा है दो अंडर रूट तीन, पांच अंडर रूट तीन और दो न्यूटन के बल किसी सम खटभुज के एक शीर्ष से क्रमशः शेष पांच शीर्षों की ओर क्रिया करते हैं, उनके परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। एक सम खटभुज है, एक सम खटभुज बना है जिस पर कई बल लग रहे हैं। कितने बल हैं? तो पांच बल लग रहे हैं। चलिए एक सम खटभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक सम खटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं पता है? तो सम खटभुज में आपकी छह भुजाएं दी जाती हैं। कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। एक दो तीन चार पांच छ, ये दो दो चार दो छ, छह भुजाएं हो गई। बताइए अब यहां आपको क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि कोई एक बिंदु लीजिए, या पहले हम इनका नाम दे देते हैं। इनका क्या करते हैं? नाम देते हैं। कह रहा है कोई एक बिंदु लीजिए और यहां से ये सभी बिंदु हम लोग ले लेते हैं। आपको ये कह दिया कि कोई एक बिंदु लेना है हमें, यहां से दो अंडर रूट तीन, तो बिंदु ए से हम लोग लेते हैं बी की दिशा में। ये इस दिशा में एक बल लगेगा, एक इस दिशा में लग रहा है, एक यहां पर लग रहा है, एक यहां पर लग रहा है और एक आपका इस पर लग रहा है, इस वाले पर। इतने बल यहां कार्य कर रहे हैं। कितने बल? तो आपके ये विभिन्न बल दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से ये बल आपस में कार्यरत हैं। और इनका जो बल है वो कितना कितना दिया गया है? तो ये एक है दो न्यूटन का बल यहां पर लग रहा है, दो न्यूटन का, यहाँ अंडर रूट तीन न्यूटन का बल लग रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर पांच न्यूटन का बल लग रहा है, आगे दिया गया है अंडर रूट तीन न्यूटन का बल लग रहा है, और लास्ट वाले में फिर से कितने न्यूटन का? तो यहाँ पर आपका लग रहा है दो न्यूटन का बल। आपसे पूछ क्या लिया? कह रहा है शीर्षों से क्रमशः शेष पांच शीर्षों पर क्रिया करते हैं, उनके परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। सभी के परिणामी का हमें क्या करना है? परिमाण व दिशा ज्ञात करना है। चलिए लगाते हैं। लगाया जाए तो सबसे पहले सवाल लगाने से पहले हम ये मान लेंगे कि जो इनका परिणामी होगा वो यक्ष अक्ष, इसको माने यक्ष अक्ष, यक्ष ये आपका क्या हो गया? यक्ष अक्ष मान लेते हैं, और यहां से कोई एक और मान लेते हैं, कोई एक और घटक मान लेते हैं जिसे आर देते हैं, और ये जो घटक बना है ये यक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, इतना हमें मान लेना है। चलिए इसी चीज को जो माने इसी को लिखते हैं। हम क्या कहेंगे? माना सभी बलों का परिणामी यक्ष अक्ष की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। माना क्या बताएंगे आप कि माना सभी बलों का परिणामी, सभी बलों का परिणामी बल, परिणामी बल भी नाम दे सकते हैं, और वैसे भी कह सकते हैं कि यक्ष अक्ष की दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। माना सभी बलों का जो परिणामी है ये है, और ये यक्ष अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अब यहां से हल करना प्रारंभ करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए। चलिए अब हल करना प्रारंभ करते हैं। यहां से सबसे पहले हम लोग लेंगे यक्ष अक्ष की दिशा। अब देखिए ये यक्ष अक्ष की दिशा, तो इसके लंबवत, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए जो लाइन होगी वो अपनी क्या हो जाएगी? वाई अक्ष की दिशा। तो ये वाली है लंबवत दिख रही है, ये हम कह सकते हैं ये अपना क्या है? वाई अक्ष है, वाई अच्छा। यक्ष अक्ष के लिए सबसे पहले लेते हैं, तो यक्ष अक्ष की दिशा में लिखेंगे यक्ष अक्ष की दिशा में, यक्ष अक्ष ये है, यक्ष अक्ष की दिशा में
ये वाला आपका जो घटक बनेगा आर, जिसको हम नाम दिए थे यक्ष अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में, दो घटके हमारे पास मिलेंगे। तो यक्ष अक्ष की दिशा में हम लोग नाम देते हैं आर कॉस थीटा, यक्ष अक्ष की दिशा में क्या नाम दे लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा बराबर, सबसे पहले देखिए दो न्यूटन का बल लग रहा है और सभी जो थीटा आपके दिए गए हैं वो देखिए, ये वाला 30 अंश, ये वाला 30 अंश, ये वाला 30 अंश और ये वाला 30 अंश, 30-30 अंश का अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले वाले पर कितना बल लग रहा है, दो कास थीटा के स्थान पर कितना अंश, 30 अंश प्लस दूसरा रूट तीन कास थीटा के स्थान पर 30 और जुड़ेगा 60 अंश प्लस 5 और उसके बाद कास थीटा के स्थान पर 90 अंश प्लस फिर कितना रूट तीन कास थीटा के स्थान पर 90 में 120 हो जाएगा, ये आपका 120 अंश कितना हुआ देखिए। सबसे पहले अच्छा इसको जीरो करेंगे, ये वाला जीरो, ये वाला 30, ये 60, ये 90 और ये प्लस फिर से यहां पर दो आया और कास 120 अंश। समझ में आया या नहीं, सभी बलों का परिणामी हम लोगों ने मान लिया एक्स अक्ष की दिशा में आर कॉस थीटा है, वाई अक्ष पर मानेंगे आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है, तो यहां सबसे पहले देखिए ये जीरो अंश था, ये 30 अंश बना, ये 60, ये 90, ये 120 हो गया। आर कॉस थीटा बराबर दो गुणे कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है एक प्लस अंडर रूट तीन कॉस 30 अंश का मान रूट तीन बटे दो प्लस 5 60 अंश का मान 1 बटे 2 प्लस रूट 3 90 अंश का मान 0 प्लस 2 गुणे कास 120 अंश का मान। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोगों को हम तरीका सिखाएं, कास 120 अंश का मान जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो कास 120 अंश का मान माइनस 1 बटे 2, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये मान सही है। आर कास थीटा बराबर ये 2 प्लस ये 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 और माइनस एक बटे, ये देखिए ये इससे बर्बाद हो गया, कितना बचा आपका, तो माइनस एक अकेले बचा जिसे हम कह सकते हैं एक बटे एक। आर कॉस थीटा बराबर यहां पर हो जाएगा एलसीएम दो, तो यहां दो दूनी चार प्लस तीन प्लस पांच माइनस दो, देखिए एक दुक्के दो तो दो एक कम दो। आर कॉस थीटा बराबर चार तीन सात पांच बारह में से दो घटेगा तो दस बटे दो, यानी कि आर कॉस थीटा बराबर पांच, समीकरण नंबर एक हो गया। ऐसे ही वाई अक्ष की दिशा में निकालते हैं, अब वाई अक्ष की दिशा में आर साइन थीटा मान लेंगे, आर साइन थीटा बराबर सबसे पहले वाई अक्ष की दिशा में निकाल रहे हैं, देखिए वाई अक्ष की दिशा में आर साइन थीटा बराबर निकालेंगे, यहां पर ये वाला जीरो अंश है, दो साइन जीरो अंश प्लस रूट तीन साइन 30 अंश प्लस 5 साइन 60 अंश प्लस रूट 3 साइन 90 अंश प्लस 2 साइन 120 अंश। नीचे दिख रहा है, एक बार हमें देखने दीजिए। चलिए अभी हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आर साइन थीटा बराबर 2 साइन 0 अंश का मान 0 प्लस रूट तीन गुणे 30 अंश का मान 1 बटे 2 प्लस 5 60 अंश का मान रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 साइन 90 अंश का मान 1 प्लस 2 और साइन 120 अंश का मान। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए साइन 120 अंश का मान, जल्दी से कमेंट करके बताइए अंडर रूट 3 बटे 2। आर साइन थीटा बराबर ये 0 हो गया, यहां बचा रूट 3 बटे 2 प्लस 5 रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 और ये कट जाएगा तो यहां फिर बच जाएगा रूट तीन, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आर साइन थीटा बराबर ये दो हो जाएगा, यहां पर कितना रूट तीन प्लस पांच रूट तीन प्लस दो रूट तीन प्लस दो रूट तीन, हल करना आता है ना। आर साइन थीटा बराबर पांच एक छह दो आठ दो दस, दस रूट तीन बटे दो ये कट गया, आर साइन थीटा बराबर कितना बच गया तो रूट तीन बच गया, समीकरण नंबर दो हो गया। आर साइन थीटा बराबर कितना रूट तीन, समीकरण नंबर दो। जल्दी से इसको एक काम करिए, दो पंचे दस यहां पांच रूट तीन होगा,
एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरफ को हम मिटाने चल रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर कॉस थीटा हमने इधर माना और लंबवत आर साइन थीटा, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा निकाल लिया है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास दो समीकरण है और हमें ज्ञात क्या करना है, परिणामी यही आर जो बनाए थे अभी चित्र में उसी को ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण दो भागे समीकरण एक सबसे पहले कर देते हैं, थीटा पता चल जाए, या ऐसे कर दीजिए समीकरण एक प्लस दो स्क्वायर दोनों का कर देना है। तो आपका देखिए समीकरण एक कितना है, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना है, तो पांच, तो ये हो जाएगा पच्चीस प्लस पच्चीस यहाँ पचहत्तर। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सौ, इसका मान एक होता है, तो आर स्क्वायर गुणे एक बराबर सौ, और आर स्क्वायर बराबर सौ या दस का स्क्वायर, ये घटा आर बराबर कितना आ गया, दस आ गया। आर बराबर क्या आ गया, तो आर का मान जो आपको प्राप्त हुआ है वो कितना हो गया, जल्दी से बताइए, आर का मान हमें मिल गया दस न्यूटन। आर का मान कितना मिला, दस न्यूटन। ये तो हो गया कि इतना बल लग रहा है। अब दिशा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे पता है, समीकरण नंबर दो भागे समीकरण दो भागे समीकरण एक कर देते हैं। तो समीकरण दो क्या है, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर पांच रूट तीन बटे पांच, से पांच कटा, आर से आर कटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर रूट तीन, और टेन थीटा बराबर टेन साठ अंश, थीटा बराबर कितना आ गया, साठ अंश आ गया। तो कोण कितना बनेगा, आप बताएंगे कि जो कोण बन रहा है कोण कितने अंश का है, तो कोण आपका साठ अंश का बन रहा है। कोण कितने अंश का बन रहा है, साठ अंश का, बताइए समझ में आ गया या नहीं, कोण कितने अंश का बना था, साठ अंश का। तो दोनों मान आपको पता चल गया है, यही आपसे पूछा था दस न्यूटन का बल और कहां से साठ अंश का, तो पहले वाला जो दो न्यूटन था उसके दिशा से साठ अंश के कोण पर। तो लास्ट में आपको ये चीज यहाँ पर लिख देना है, लास्ट में आपको क्या लिख देना है यहाँ पर याद रखिएगा, लास्ट में अतः दो न्यूटन वाले बल से साठ अंश के कोण पर, अतः दो न्यूटन वाले बल से साठ अंश के कोण पर परिणामी बल लगेगा। दो न्यूटन वाले बल से वह दो न्यूटन वाले जो बल लग रहा था उसकी दिशा से कितने अंश के कोण पर, तो साठ अंश के कोण पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए क्या ये टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताइए स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया है ये प्रश्न या नहीं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला कौन सा प्रश्न है, तो आपका प्रश्न नंबर तेरह, तेरहवां प्रश्न देखिए, बारह समझ में आ गया या नहीं बताइए जल्दी से, दो प्रश्न और बचे हैं, तेरह और चौदह जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग बताइए समझ में आ रहा है, प्रश्न नंबर तेरह देखिए आपको क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तेरह कह रहा है एक 20 ग्राम की गेंद एक दीवार पर 45 अंश के कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है और फिर प्रारंभिक वेग से उसी दिशा के लंबवत उसी वेग से टकरा कर लौट जाती है, गेंद द्वारा प्राप्त आवेग का परिकलन कीजिए। कह रहा है एक 20 ग्राम की गेंद है, एक 20 ग्राम की गेंद है, ये क्या करती है, तो जो 20 ग्राम की गेंद है वो यहां से आते हुए 45 अंश के कोण पर आती है और यहीं टकरा जाती है, कितने अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर आती है और टकरा जाती है, टकरा कर फिर से उसी कोण पर वापस लौट जाती है 45 अंश के कोण पर। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा, 45 अंश हो जाएगा। बताइए यहां से गेंद आई और गेंद का द्रव्यमान कितना है, तो आपको दिया है कि 20 ग्राम की गेंद है, टकराई टकरा कर इसी दिशा में 20 ग्राम की गेंद फिर से क्या हुई, वापस लौट गई। आपसे कह रहा है बताइए गेंद द्वारा प्राप्त आवेग कितना था, गेंद द्वारा प्राप्त आवेग कितना था, इसके घटकों को हम लोग वियोजित कर लेते हैं, घटकों को क्या करते हैं,
वियोजित कर लेते हैं। और कुछ दिया है सवाल में तो यही कह रहा है, देखिए 45 अंश के कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती है, इसका वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो घटक को वियोजित करेंगे। देखिए ये वाला आपका हो जाएगा 15 cos थीटा 15 cos थीटा, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 15 sin थीटा 15 sin थीटा, या फिर थीटा के स्थान पर 45 है तो हम इसको लिख सकते हैं 15 cos 45 अंश, 15 cos कितना 45 अंश इस दिशा में, और ये वाली दिशा में भी हो जाएगा 15 cos 45 अंश। ये इधर की ओर आ जाएगा 15 sin 45 अंश, और फिर से 15 sin 45 अंश। एक चीज देख रहे हैं, ये दोनों घटक बराबर व विपरीत हैं, इसलिए निरस्त हो जाएंगे, और ये दोनों घटक आपके आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और आपको ये भी पढ़ाया गया है कि जो आवेग होता है वो होता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन को क्या बोला जाता है, आवेग कहते हैं। समझ में आ गया कि ये घटकों को हम लोग वियोजित कर दिए, और ये दोनों घटक बराबर व विपरीत थे, निरस्त हो गए, और ये दोनों घटक जो थे ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में लिए गए हैं। तो आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन, और संवेग परिवर्तन क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग। लिखते हैं आवेग बराबर, द्रव्यमान कितना है गेंद का, तो 20 ग्राम है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में बदलें, तो 20/1000। समझ में आ गया, 20 × 1000 या 20/1000 ऐसे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले दोनों घटक आपके समान है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान कितना है m, और वेग कितना है, तो 15 sin 45 अंश। कितना है वेग, तो आप बताएंगे कि 15 sin 45 अंश, और प्लस दूसरे पर भी m गुणे 15 sin 45 अंश, दो बार यही चीज है, तो आपका हो जाएगा 2m × 15 sin 45 अंश। ये आपका ये हो जाएगा 2 × इसके स्थान पर 20 है, 20/1000 कर देंगे / 15 sin 45 अंश का मान 1/√2। देखिए ये वाला √2 से आपका यहाँ कटेगा, बचेगा ये √2, और क्या काट देते हैं, ये इससे कट गया, ये कट गया, बचा कितना, ये 2, तो यहाँ हो जाएगा 50, 2 और ये 50, 5 3 15 5 10 50, यानी कि 3√2/10। इसको हल करेंगे तो ये 0.3√2, और ये आवेग है, संवेग परिवर्तन की दर होती है, या संवेग परिवर्तन बराबर आवेग आपका कितना आ गया, जल्दी से बताइए, तो आवेग आपका आ गया 0.3√2 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये छोटा सा क्वेश्चन था आवेग का, आपका समझ में आया या नहीं बताइए, आवेग वाला क्वेश्चन आपका ये छोटा सा था। हमें क्या करना था, घटकों को वियोजित करने के बाद जो बराबर और विपरीत घटक थे वो निरस्त हो गए, और एक तरफ वाले घटकों को जोड़कर हल कर दिए, तो आपका आ गया 0.3√2 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए समझ में आया या नहीं। अगला प्रश्न आपका लास्ट है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, बाकी आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, प्रश्न नंबर 15 पर चलिए अब चलते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, वो 14वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है। 14वां प्रश्न आपको देखिए कह रहा है, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का टुकड़ा 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मुक्त रूप से गिराया जाता है, ठीक उसी क्षण मीनार के पाद से 10 ग्राम के द्रव्यमान की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर को टुकड़े के पथ पर ही 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ दी जाती है। परिकलन कीजिए, गोली और लकड़ी का टुकड़ा कब और कहां मिलेंगे, यदि टकराने के बाद गोली टुकड़े में ही रह जाए तो गुटका और गोली निकाय नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेंगे, या मान लीजिए गुटका इतनी अधिक ऊंचाई तक नहीं जाता कि जिससे कि जी के मान में परिवर्तन हो जाए। चलिए सबसे पहले कह रहा है 10 ग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का एक टुकड़ा 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मुक्त रूप से गिराया जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई एक मीनार है, कितने मीटर की ऊंची है, तो 100 मीटर ऊंची मीनार है,
100 मीटर ऊंची मीनार है। यहाँ से क्या किया जाता है, एक 10 ग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का टुकड़ा गिराया जाता है। यहाँ पर एक द्रव्यमान है वो नीचे की ओर मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, यू बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और इसका जो द्रव्यमान है वो है यम बराबर 10 ग्राम। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उसी क्षण जब गिराया जाता है तो मीनार पाद से 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, यहां से एक गोली छोड़ दी जाती है, कितने ग्राम की, तो यम बराबर ये भी है 10 ग्राम की एक गोली छोड़ी जाती है, और जो गोली है इसका वेग आपको दिया गया है, गोली का जो वेग है वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली छोड़ दी जाती है। फिर कह रहा है परिकलन कीजिए, ये चित्र आपके समझ में आ गया या नहीं बताइए। ये मीनार आपकी 100 मीटर ऊंचाई थी, यहाँ से एक 10 ग्राम का गोला छोड़ा गया मुक्त रूप से, और यहाँ से एक गोली छोड़ी गई 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, गोली भी आपकी कितने ग्राम की थी, 10 ग्राम की। तो आपसे पहले पूछा है कि गोली और लकड़ी का गुटका कब और कहाँ मिलेंगे, ये लकड़ी का गुटका और गोली कहाँ पर मिलेंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये जो गोली है ये कितने ऊंचाई तक जाती है, h ऊंचाई पर जाती है, और h ऊंचाई पर गुटके से मिलती है, तो गुटका कितना ऊंचाई तय करेगा, 100 माइनस h, पूरी ऊंचाई 100 है, अगर गोली h ऊंचाई तक जा रही है तो गुटका 100 माइनस h ऊंचाई तक जाएगा, क्लियर है इतना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल निकालना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 14, यहां सबसे पहले हम लोग गोली के लिए निकालते हैं, गोली के लिए, गोली कितना दूरी तय करेगी, तो ऊंचाई तय कर रही, इसलिए हम कहेंगे h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और गोली ये जो आपका बंदूक की गोली है, गोला मत लिखिए, गोली लिखिए, तो गोली कितनी ऊंचाई तय कर रही है, h वेग कितना है 100, समय कितना लग रहा है, तो समय नहीं दिया गया, प्लस 1/2 g का मान 10 रख लेते हैं, और t यहां पर ऐसे रहने देते हैं, 2 × 5 = 10, h बराबर आपका हो गया 100t + 5t² 100t + 5t² आप एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस रखिएगा, माइनस क्यों रखेंगे, तो आप ये बताइएगा क्योंकि ये जो है गोली ऊपर की ओर जा रही है गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, h आ गया। अब हम क्या करते हैं, गुटके के लिए निकालते हैं, गुटके के लिए, गुटके के लिए निकालेंगे तो वही फार्मूला h बराबर ut प्लस हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि गुटका नीचे की ओर आ रहा है गुरुत्वीय त्वरण की ही दिशा में, तो h कितना है 100 माइनस h बराबर u है इसका 0, तो t प्लस 1/2 g का मान 10, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, कट गया 5 बचा 100 माइनस h बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5t² कितना बच जाएगा 5t², h का मान यहां से रख दिया जाए इस स्थान पर, चलिए समीकरण एक से h का मान अगर हम यहां पर रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, चलिए रख देते हैं, 100 माइनस h का मान कितना है, तो 100t - 5t² बराबर 5t², ये 100 - 100t प्लस 5t² बराबर 5t², ये इससे कट गया, बचा कितना, तो 100 बराबर 100t और 100 से 100 कटेगा तो t बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड, समय तो पता चल गया कि ये 1 सेकंड बाद मिलेंगे, 1 सेकंड बाद आपस में दोनों मिलेंगे। अब इसका मान कहीं पर भी रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका मान यहां रख के हम लोग h निकाल लेते हैं कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, h बराबर 100 × 1 - 5 × 1² h बराबर 100 - 5 h बराबर 95 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे, पता चल गया कितने मीटर की ऊंचाई पर दोनों मिलेंगे, तो गोली जो चलेगी वो 90 मीटर यहां पर जाएगी, h बराबर 95 मीटर, गोली कितना जाएगी 95 मीटर, तो ये गोली है, गोली कितना जा रही है 95 मीटर, अतः गोली व गुटका 1 सेकंड बाद, अतः गोली व गुटका 1 सेकंड बाद कहां पर मिलेंगे, 95 मीटर
की ऊंचाई पर मिलेंगे, 95 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। क्लियर है या नहीं जल्दी से बताइए। अब आपसे पूछा जाए कि गोली का वेग बताइए, गोली का वेग कितना है, तो गोली का वेग, पहला पार्ट आपके समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताइए। पहला पार्ट में यही पूछा था ना कि गोली और गुटका कब और कहां मिलेंगे, तो एक सेकंड बाद 95 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा वाला आपसे पूछा है कि यदि टकराने के बाद गोली गुटके में ही रह जाए तो गुटका और गोली निकाय नीचे आने से पूर्व कितना ऊंचाई तक जाएंगे। तो चलिए दोनों का वेग अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। गोली ऊपर की ओर जा रही इसलिए वी डैश मान लेते हैं, वी डैश बराबर यू माइनस जी टी, तो यू कितना है 100 है और जी है 10 गुणे टी का मान 1, तो वी डैश आपका आ जाएगा 90 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि गोली एक सेकंड में कितना दूर जाती है, देखिए एक सेकंड बाद मिलते हैं तो एक सेकंड में 90, और साथ ही साथ गुटका के लिए निकालते हैं तो गुटके का वेग, कितना हो जाएगा, v नाम देते हैं, v बराबर u प्लस जी टी, क्योंकि गुटका नीचे आ रहा है, u का मान कितना है 0 प्लस g का मान कितना है 10 गुणे 1, तो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, और गुटके का वेग कितना है, तो गुटका एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी क्या करता है, तय कर लेता है। अब हम यहां पर एक नियम लगाते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिख लेते हैं टकराने के पहले, टकराने के पूर्व संवेग बराबर टकराने के बाद, संवेग। चलिए टक्कर के पहले संवेग के लिए हम लोग पहले गुटके के लिए निकालें या फिर गोली के लिए, चलिए गोली के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो कहते हैं यम वी, और एक चीज करते हैं इसको मान लेते हैं कैपिटल यम है, ये क्या है कैपिटल यम मान लेते हैं थोड़ा सा आप समझने के लिए, अब जरूरत पड़ी है तो हम लोग मान लेते हैं। तो मानते हैं कि यम वी और यम वी होगा आपका, क्या हो जाएगा माइनस यम का मान कितना है, तो यम आपका है 10/1000 रख देंगे, किलोग्राम में हो जाएगा, ये ग्राम में था, माइनस और वी का मान कितना निकाले हैं तो ये है 10 प्लस वी डेस का मान कितना आया है तो 90 बराबर ये यम और यम मिलकर 20/1000, इसको हम कर देंगे 1000, यहां से हमें वी पता चल जाएगा क्योंकि 1000 से 1000 कट गया, 10 × 2 = 20 और ये 80/2 वी, वी बराबर कितना आ गया 80/2, यानी कि वी बराबर आपका हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका है संयुक्त पिंड का वेग, अतः संयुक्त पिंड का वेग, वेग 40 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आपसे पूछा जाए संयुक्त पिंड कितने ऊपर तक जाएगा, तो संयुक्त पिंड कितने ऊपर तक जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ये तो संयुक्त पिंड का वेग हो गया, लेकिन आपसे पूछा था कि ये कितनी ऊंचाई तक उठेंगे, तो यहां पर लगाते हैं कितने ऊंचाई तक उठेंगे, यानी कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh से पता चलेगा, ये कितनी ऊंचाई तक उठेंगे, v का मान है 40, नहीं v का मान आपका 0 हो जाएगा क्योंकि जहां पर ये रुकेंगे उस स्थान पर इसका वेग कितना होगा 0 होगा, और u का मान है आपका 40 का वर्ग माइनस 2 गुणे g का मान कितना 10, और h हमें ज्ञात करना है, 40 हमें 1600, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 20h बराबर 1600, h बराबर 1600/20, ये कट गया, h बराबर कितना आ गया तो h बराबर 80 मीटर, यानी कि जहां से ये टकराएंगे यहां पर इस बिंदु पर कितने मीटर पर दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो आपने कहा 95 मीटर पर एक दूसरे से ये क्या कर रहे थे टकरा रहे थे, और जहां पर टकरा रहे थे यहां से कितना मीटर जाएंगे, तो यहां से जाएंगे ये 80 मीटर ऊपर तक,
जहां से टकरा रहे थे वहां से ये 80 मीटर यानी मान लीजिए ये यहां पर टकरा रहा है कितने मीटर ऊपर, तो 95 मीटर ऊपर टकरा रहा है, तो ये 95 से कितना जाएगा 80 मीटर ऊपर तक जाएगा 80 मीटर। और आपसे पूछा जाए यहां से कितना जाएगा, तो ये 5 आप घटा देंगे यानी कि यहां ऊंचाई जो आपका ये क्या है मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर या हम कह सकते हैं कि ये जाएगा चोटी से 75 मीटर की ऊंचाई तक, 75 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, चोटी से 75 मीटर जहां से टकरा रहे हैं वहां से 80 मीटर। तो इस प्रकार आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो घर्षण वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आप लोग अभी तक सेशन में जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़िए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय।